الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود محترم مائیں اور بہنیں اور کچھ مرد حضرات جو یہاں پر تشریف فرما ہیں, کچھ باتیں آج کی مجلس میں شکر اور صبر اس کے تعلق سے پیش کرنی ہے. دعا خدا سے خصوصی کرم کرے, ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے, دے زباں پر وہ بات جو دل پر اثر کرے. ہے دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر, ہے دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر, ہم جو باتیں بھی سنیں اس کی قدر کریں. قرآن کریم کی تین آیات مختلف جگہوں سے میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی, جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم میری یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا احصا کرنا چاہو, گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو تم یہ کام انجام نہیں دے سکتے, نہیں کر سکتے. گجراتی میں جسے کہتے تھے ہمارے بڑے بوڑھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اتنی ہیں کہ گڑیاں گڑائی نہیں انے وینیاں وڑائی نہیں, کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں تو مان لو کہ گننا ممکن ہو, کہ کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جائے, کوئی ایسی دوربین ایجاد ہو جائے کہ جس سے شمار کر لیا جائے کہ بھائی آسمان پر اتنے ستارے ہیں, پوری روئے زمین پر درخت کتنے ہیں, مان لو کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جائے, کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے کہ جس سے شمار کر لیا جائے کہ بھائی اتنے درخت زمین کے اوپر موجود ہے.
घास फूस कितनी है पूरी रुए जमीन पर, मान लो कि उसको भी शुमार करने का कोई आला वजूद में आ जाए। भाई जो हजरत बात कर रहे हैं एतकाफ में जरा आहिस्ता बात करें, बंद न करें बात, आप चालू रखे अपनी लेकिन जरा आहिस्ता करें। तो भाई ये मुमकिनात में से हो सकता है कि इन चीजों का हम एहसा कर ले, शुमार कर ले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि मेरी नेमतों को तुम नहीं गिन सकते, तुम उसका एहसा नहीं कर सकते। ये भी अल्लाह ताला ही की नेमत है, लेकिन मैंने मिसाल में इसलिए उसको पेश किया कि ये मोटी मोटी चीजें हैं और बेशुमार है ये चीजें, कि उसका गिनना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मान लो कि इनका शुमार हम कर भी ले तो अल्लाह तबारक व ताला की इतनी ज्यादा नेमतें हैं मुझ पर, आप पर, मर्द पर, औरतों पर, कि उसका शुमार करना मुमकिन ही नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व ताला आगे शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि मेरी नेमतों का तो ये हाल है इंसानों पर कि अगर वो शुमार करना चाहे, गिनना चाहे तो वो शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। लेकिन इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ्फार, इंसान बड़ा नाशुक्रा है, बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये बड़ी नाशुक्री मखलूक है इंसान। हमारा हाल देखिए, ठंडी होती है तो कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, अब तो गर्मी का मौसम आ जाना चाहिए, और जब गर्मी ज्यादा हो जाएगी तो कहते हैं कि ओहो इतनी बड़ी गर्मी पड़ती है कि सहत है, इतनी गर्मी हो रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छी इसकी ताबीर की, फरमाया कि इंसान जहन में था एकदम से निकल गया। बहरहाल तो हमारा हाल ये है कि ज्यादा ठंड हो तो जो है गर्मी को याद करते हैं, ज्यादा गर्मी हो जाए तो ठंड को जो है वो याद करते हैं। इंसान तो हलवा है, उसे जलवा चाहिए है। उन्होंने फरमाया कि इंसान तो हलवा है, उसे जो है वो जलवा चाहिए। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि व इस्तअज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह फरमाते हैं मफहूम ये है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं उन नेमतों में ज्यादती करूंगा, इजाफा करूंगा, बढ़ोतरी करूंगा। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए अगली बार से। और तीसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया सूरह आदियात में है तीसवे पारे में कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, कि ये जो इंसान है, इंसान जो है वो अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। ये इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। तो अल्लाह ताला हमारा इनमें शुमार न फरमाए। एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में शिकायतन ये बात कही है, शिकवा किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि व कलीलुम मिन इबादी अश्शकूर, कि मेरे शुक्र गुजार बंदे बहुत कम है, बहुत कम है। वह कलीलुम मिन इबादी अश्शकूर, कि मेरे शुक्र गुजार बंदों की फहरिस्त बहुत कम है। और देखिए शैतान ने जब उसको रांदे दरगाह किया गया, अल्लाह तबारक व ताला ने उसे जब निकाल दिया तो उस वक्त उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की कि भाई मेरी एक चाहत पूरी कर दी जाए। क्या चाहत? तो कहा कि मुझे एक तो तवील जिंदगी दी जाए,
قیامت تک قال ربی انزلنی الى یوم یبعثون. اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی کہ ٹھیک جاؤ تجھے مہلت دی تو اپنا کام کر. تو اس نے کیا کہا جاتے جاتے اللہ رب العزت سے آٹھویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب اسے مہلت مل گئی تو اس نے جاتے جاتے یوں کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اور اگلی بات آپ کو سنانی ہے ولا تجد اکثرہم شاکرین. شیطان نے یہ کہا کہ اللہ تو نے مجھے مہلت دے دی اب میں ان کو بہکاؤں گا. اور کم بخت پھر یوں بھی کہیں گا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں شیطان کا قول نقل کیا کہ وہ بہکائے گا تو صحیح دنیا کے اندر انسانوں کو غلط غلط راہیں سجائے گا, اور جب انسان آخرت میں اسے جب الزام دیں گے کہ بھئی تو نے ہمارے بہکایا, ہمیں غلط راہ پر چلایا, غلط راستہ ہمیں دکھایا, ہمیں جہنم کا مستحق بنایا, تو شیطان جواب دے گا اللہ نے یہ بھی مجھے اور آپ کو بتا دیا, یہ بھی اللہ کا احسان ہے. ہاں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ شیطان آگے چل کر قیامت میں میدان حشر میں کیا کلام کرنے والا ہے, انسانوں سے وہ کیا کہے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. اب وہ کہے گا فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. ہاں شیطان کہے گا کہ مجھے مت کوسو, مجھے الزام مت دو, اپنے آپ کو کوسو, اپنے آپ کو الزام دو. میں نے کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی آپ پر, میں نے تو صرف ایک خیال ڈالا تھا, گمراہی کا راستہ تمہیں دکھایا تھا, انگلی پکڑ کے چلایا تھوڑی تھا. شیطان بری راہیں دکھاتا ہے, بری سوچ پیدا کرتا ہے, لیکن انگلی پکڑ کر تو نہیں چلاتا, وہ زبردستی تھوڑی کرتا ہے. ہاں برے برے خیالات ڈالتا ہے, بری بری راہیں دکھاتا ہے, بری بری تجویزات پیش کرتا ہے, لیکن اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا اس کو کہ وہ ہمیں انگلی پکڑ کر اس پہ جو ہے وہ چلائے. لیکن اللہ نے یہ ضرور کہا ہے قرآن کریم میں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ اگر تم راہ راست پر چلنے کی کوشش کرو گے اللہ فرماتے ہیں ہمیں تو ہم تمہیں ہاتھ پکڑ کے چلائیں گے, یہاں اللہ مدد کریں گے. سیدھے راستے پر چلنا چاہو لیکن توفیق طلب کرنا پڑتی ہے, توفیق کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ وما توفیقی الا باللہ, توفیق اللہ ہی دیتا ہے, توفیق کا مل جانا اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت ہے, لیکن توفیق طلب کرنا پڑتی ہے. طلب آدمی میں چاہیے, پیاس آدمی کے اندر چاہیے, تڑپ جو ہے وہ آدمی کے اندر چاہیے. ورنہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ لاہور میں, وہاں ایک بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے مفسر قرآن, اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے, جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی نور اللہ مرقدہ. حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ دیکھیے
नाम था या लकब जो भी आप कह ले, अबू तालिब यानी तालिब का क्या बाप, लेकिन अबू तालिब में भी तलब नहीं थी तो अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से महरूम रखा। तो तलब तो आदमी को खुद पैदा करना पड़ती है, तड़प आदमी को अपने अंदर जो है वो खुद पैदा करना पड़ती है, फिर जो है अल्लाह तबारक व ताला वो तौफीक देता है। तो इंसान इंसानों से कहेगा शैतान कि मुझे इल्ज़ाम मत दो, अपने आप को कोसो, अपने आप को इल्ज़ाम दो, मैंने तो सिर्फ बुरी राह सुझाई थी, तुमने क्यों किया। इसी की शायर अक्कासी की है अल्लामा इकबाल मरहूम ने, वो एक शेर में फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है हजरत इंसान पर, मुझे ताज्जुब है हजरत इंसान पर, कारे बद खुद करे लानत करे शैतान पर। कारे बद यानी बुराई के काम खुद करता है और लानत किस पे करता है, शैतान के ऊपर करता है। शैतान यही बात कहेगा कि फला तलूमूनी वलूमु अनफुसकुम। बहरहाल तो शैतान ने एक बात ये कही अल्लाह ताला से कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, कहां से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, मैं चारों तरफ से तुझे तेरे बंदों को बहकाऊंगा। वला तजिदू अक्सरहुम शाकिरीन, और बहुत बड़ी जमात ऐसी होगी ए रब्बुल इज्जत कि तू अपने बंदों को शुक्र गुजार नहीं पाएगा। ये शैतान ने ये बात कही है तो अल्लाह ताला उसमें हमारा शुमार न फरमाए। लेकिन उलमा लिखते हैं कि वो दो सिमत भूल गया, दो सिमत वो भूल गया है। कितनी सिमतें हैं, चार हैं, छह है ना, छह है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे है? तो छह सिमतें हैं तो उसने चार सिमत का तस्किरा किया है कि मैं बहकाऊंगा। तो उलमा लिखते हैं कि ऊपर भूल गया, ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत है, वैसे अल्लाह हर जगह है, वो हुआ माकुम अइनमा कुंतुम, अल्लाह कह रहा है वो हर जगह है, लेकिन कहां जाता है। हुजूर ने भी एक बांदी के सवाल के जवाब में, एक बांदी ने पूछा आका से, मफहूम यह है कि अनपढ़ थी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, बांदी थी, उसने पूछा कि अल्लाह कहाँ है, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इधर देखो यूं फरमाए, वफिस समा, कहाँ है, आसमानों में, अल्लाह कहाँ है, आसमानों में। हुजूर ने जवाब में ये फरमाया वफिस समा, आसमानों में। क्यों, बड़ा आदमी कोई होता है, जैसे कोई जलसा हो तो मेहमान खुसूसी आता है उसे हम नीचे नहीं बिठाते, बल्कि उसके लिए क्या बनाते हैं, स्टेज बनाते हैं, उस पर गद्दे जो है वो बिछाए जाते हैं, और बड़ा आदमी है उसको बड़े मकाम पर। जमीन पे तो हम चलते फिरते हैं, उसको हम पांव से रौंदते हैं, तो उसकी वक़्त इंसान के दिल में नहीं आ सकती कि भाई उसे तो वो रौनता हुआ जाता है, लेकिन आसमान जो है वो ऊपर है और उससे भी ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का आर्श फरमाया। तो बुलंदी आदमी उसको इज्जत की निगाह से, तकरीम की निगाह से देखता है, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह कहाँ है, आसमानों में। अब बाज लोगों ने इसका मतलब ये समझ लिया कि अल्लाह ताला तो आसमान में रहते जैसे हम अपने मकान में रहते, अरे ये कोई बात हुई है, इस तरह तो अल्लाह ताला का क्या साबित हो जाए, जिस्म साबित होगा और अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। लैसा कमिथ्लिही शै, ये अल्लाह कह रहा है कि लैसा कमिथ्लिही शै, अल्लाह ताला मेरे और आपकी तरह जिस्म से पाक है। हाँ, अल्लाह ने जिक्र किया कि अल्लाह का हाथ है, लेकिन वो हमारे जैसा हाथ नहीं, अल्लाह ही जानता है। कुरान करीम में कुछ आयात ऐसी हैं और अल्लाह ने सूरह आले इमरान में उसकी तरफ इशारा भी फरमाया, उसका मीनिंग मफहूम हम नहीं जानते, उसे किस पे छोड़ देंगे, अल्लाह ताला पे छोड़ देंगे। अल्लाह ने फरमाया कि यदुल्लाही फौका अईदीहिम,
लेकिन अल्लाह का हाथ है, कैसा हाथ है हमें नहीं मालूम। हाँ, ईमान रखना है, जो कुछ कहा गया उस पर ईमान हमें रखना है। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि हुजूर ने फरमाया कि आसमानों में, इसीलिए हम भी, हमें भी अपने माँ बाप ने बचपन में सादुल्ला साहिब क्या सिखाया है ना इस्माइल चाचा, कि अल्लाह केटला, अल्लाह कितने, तो सिखाया एक। फिर माँ बाप हमसे पूछते थे कि अल्लाह कहाँ है, तो बच्चा जवाब नहीं देता था, तो माँ बाप दो काम करते थे, इशारा भी करते थे और जुबान से भी बोलते थे। क्या कहते थे? अल्लाह ऊपर है, आसमान पर है, कहते थे ना, सिखाया ना बचपन में हमें, हाँ, कि अल्लाह ताला कहाँ है, आसमान में। इसीलिए दुआ में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने लिखा है, जिसका मफहूम यह है कि हर चीज का एक किबला है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा किबला क्या है? काबा। काबा हमारा क्या है? किबला है। तो फरमाया कि हर चीज का एक किबला है, तो दुआ का किबला क्या है? आसमान है। दुआ का किबला क्या है? आसमान है। इसलिए फरमाया कि दुआ करो तो ये हथेलियों का रुख, दोनों हथेली का रुख ये किधर कर लो? आसमान की तरफ कर लो। तो दुआ इधर देखो, यूं करनी चाहिए, यूं हाथ रखने चाहिए। हम लोग यूं रखते हैं, हैं बाज लोग, तो ये हथेली का रुख किधर हो गया? चेहरे की तरफ हो गया, या सीने की तरफ जो है वो हो गया। और कुछ लोग तो यूं यूं दुआ के अंदर हैं, और कोई यूं कर रहा है, तो पता नहीं क्या क्या जो है लोग एक्शन करते हैं दुआ के अंदर। लेकिन असल चीज ये है कि दुआ के अंदर मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा ने लिखा कि तीन बातों का ख्याल करना है दुआ में हाथ उठाए तो। नंबर एक, दोनों हाथ सीने के मुकाबिल होंगे, या चेहरे के पास नहीं रखना है, कहां रखना है? सीने के मुकाबिल, ये दोनों हाथों को रखना है, नंबर एक। नंबर दो, दोनों हाथ के दरमियान में जरा फासला रखना है, यूं मिला नहीं देना है जरा। ये आदाब है, ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन शरीयत ने हमें हर चीज के आदाब बतलाए। आदाब शरीयत का हुस्न है, याद रखिए। आदाब क्या है? शरीयत का हुस्न है। तो दोनों हाथ के दरमियान में जरा फासला और गैप रखो। तीसरी बात मुल्ला अली कारी ने ये लिखी कि जब दुआ करो तो हथेलियों का रुख आसमानों की तरफ रखो। क्यों? ये उसका किबला है, और अल्लाह कहाँ है? आसमानों के ऊपर है। यह हमें बताया गया ताजीम के लिए और तकरीम के लिए। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि दो समत शैतान भूल गया, तो इसलिए अल्लाह से क्या चाहो? तौफीक चाहो, अल्लाह से मदद चाहो, अल्लाह से दुआ करो। वो ऊपर बैठा है, तुम अल्लाह से मांगोगे, शैतान रुकावट नहीं बन सकता, यहां शैतान का जोर नहीं चलता। इसलिए दुआ में शैतान का जोर नहीं चलेगा, ऊपर अल्लाह ताला है और उसने इस समत का तस्किरा नहीं किया है। नंबर दो, जमीन का नहीं किया है। तो क्या मतलब? अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीन आमनुस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह, और नमाज में असल चीज सजदा है। तो फरमाया वो जमीन का नीचे तहतानी हिस्से को भूल गया है कि सजदे में जाओ, अल्लाह से खूब मांगो। या ये कि नमाज पढ़ो और अल्लाह से मांगो, या ये के तहतानी निचले हिस्से से इशारा है अपने अंदर तवाजू पैदा करो, अपने अंदर इनकिसारी पैदा करो, आजिजी पैदा करो, खाकसारी पैदा करो। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि जो आदमी अल्लाह ताला के लिए तवाजू, आजिजी, इनकिसारी, खाकसारी ये इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला उसे, उसके नाम को बुलंद फरमाएगा, उसके दर्जात को वो बुलंद फरमाएगा। खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हमारे ऊपर है। आज मैं और आप क्यों परेशान है? जिसके पास एक घर है वो भी परेशान, जिसके पास घर नहीं है वो भी परेशान, जिसके पास दो मकान है वो भी परेशान, चार फैक्ट्री है वो भी परेशान। हर आदमी शिकवा शिकायत करता है, परेशानी का तस्किरा करता है। क्यों?
इसलिए कि मैंने और आपने शुक्र का दामन छोड़ दिया। और जो आदमी, उलमा लिखते हैं कि हकीकी माने में, जुबान से कह देना बहुत आसान है कि भाई अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन दिल जुबान का साथ नहीं देता है। हाँ, कहने को मैं और आप लफाजी कर लेते हैं, जुबान से बोल देते, लफाजी है ये, लेकिन दिल में कुछ और होता है। दिल में शिकवा शिकायत अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो भरी हुई है। तो अल्लाह ताला तो अलीम हम बिजात सुदूर है। आंखों की खयानत दिलों के राज, शायर कहता है आंखों की खयानत दिलों के राज, सबको जानता है तू मालिक है बेनियाज। तो वो तो जानता है कि दिल में शुक्र है कि नहीं है, जुबान से जो है वो हमने कह दिया तो क्या हुआ। और नाशुक्री की दुनिया में सजा ये है कि आदमी के पास बहुत कुछ होते हुए भी वो परेशान फिरता है। याद रखियो, ये नाशुक्री की सजा है। बहुत कुछ उसको अल्लाह ने दे रखा है, लेकिन या तो जुबान से नाशुक्रा है और दिल से तो है ही, और जुबान से लफाजी कर रहा है, शुक्र अदा कर रहा है, लेकिन दिल में अल्लाह ताला का शुक्र नहीं है। दुनिया में अल्लाह ताला उसे ये सजा देता है कि उसे परेशान हाल फिराता रहता है। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते जलवत खलवत यहां वहां दोस्त बिरादर सब में वो शिकायतें करते फिरता है। अल्लाह तबारक व ताला उसे हर जगह जो है वो परेशान रखता है। बहुत कुछ है, लेकिन जिंदगी में अगर कुछ नहीं होगा तो सुकून नहीं होगा। आज सुकून के सारे असबाब मुयस्सर है। आला से आला घर है, आला से आला फर्नीचर है, आला से आला जो है वो सोफा सेट है, आला से आला बेड है, आला से आला गद्दे हैं, आला से आला जो है वो घरों के अंदर चीजें वो रखी हुई है, सब कुछ है। किचन आला से आला जो है वो उसने बनाया है, बेडरूम आला से आला बना दिया, लेकिन बेड में जाता है तो जब तक गोली नहीं खाता नींद नहीं आती। अल्लाह ने सब कुछ देकर भी नींद को ले रखा, उसे परेशान कर रखा। जब तक वो दवाई नहीं लेता, जब तक वो गोली नहीं पी लेता, अल्लाह ताला उसे नींद की दौलत से महरूम किए हुए। ये नाशुक्री की सजा। मुझे और आपको टटोलने की जरूरत है अपने दिल को, अपने आप को, कि हमारे अंदर अल्लाह का शुक्र कितना है, और अल्लाह से कहीं शिकवा शिकायत तो नहीं है। अल्लाह ने फरमाया वला इन कफरतुम, अगर नाशुक्री करोगे, फरमा दिया इन्ना अज़ाबी लशदीद। तो ये सब नाशुक्री की जो है वो सजा है। और शुक्रगुजार बंदे कैसे होते हैं? हकीम लुकमान नाम तो आपने सुना है। कुरान करीम के अंदर एक सूरत है मुस्तकिल उनके नाम से, लुकमान हकीम के नाम से। उनके हालात में उलमा ने लिखा है कि ये बागबानी करते थे, एक आदमी के बाग में काम करते थे। तो एक खाने की चीज आई, क्यूकम्बर जिसे कहते हैं हम, के क्यूकम्बर तोड़कर लाया गया। तो दो क्यूकम्बर लाए गए, एक क्यूकम्बर लाया गया, उसे काटा गया, उसकी काशें दी गई, तो लुकमान हकीम ने खा लिया बहुत अच्छी तरह से। दूसरा दिया गया काटकर, उसे भी बहुत अच्छी तरह खा लिया। पहला क्यूकम्बर और उसकी काश लुकमान हकीम ने जिस लज्जत से खाई, जिस शौक से खाई और जिस तरह मुंह बनाकर खाई, दूसरा जो क्यूकम्बर था वो भी उसको भी उसी तरह से खाया। अब बादशाह ने कहा कि मुझे दो। बादशाह ने पहले उसको खिलाया कि पहले तुम टेस्ट करो चखो। तो दोनों बादशाह के सामने उन्होंने रख दी। बादशाह ने एक की दो जो क्यूकम्बर थे, एक की जो काश थी, तो बड़ी लजीज, बड़ी लज्जत आमेज, तो बादशाह को भी पसंद आई। दूसरी से जब खाया तो इंतहाई कड़वी, कि बादशाह ने मुंह में रखते ही थू थू करके
बाहर निकाल दिया, थूक दिया उसको। अब बादशाह लुकमान हकीम से पूछता है, यह बात याद रखने की है मुझे और आपको, हाँ इससे अल्लाह की नेमतों का इस्तेहजार होगा, कदर होगी। बादशाह ने लुकमान हकीम से पूछा कि भाई एक तो इंतहाई लजीज, एक इंतहाई कड़वी, लेकिन मैंने तुम्हारे चेहरे को देखा कि तुमने जब खाया दोनों को तो तुमने ठीक उसी तरीके से खाया, तुमने कुछ मुंह नहीं बनाया, मैंने तो थूक दिया, तुमने जो है वो नहीं थूका, क्या तुम्हें कड़वाहट महसूस नहीं हुई? तो लुकमान हकीम ने कहा कि जहां पना बादशाह सलामत जी, बिल्कुल मैंने भी जिस तरह आपको कड़वाहट महसूस हुई, आपने उसे थूक दिया, तो ठीक उसी तरीके से मुझे भी कड़वाहट महसूस हुई थी, लेकिन मैंने ये सोचा और इसलिए उसको थूका नहीं और आपसे शिकायत नहीं की कि हमेशा आपके हाथ से मुझे नेमतें ही पहुंचती रही, हमेशा मुझे आपके हाथ से नेमतें ही पहुंचती रही है, और आज अगर ऐसी चीज जो है आपने अपने हाथ से मुझे दे दी जो मेरे मिजाज के खिलाफ थी, मेरे जुबान के टेस्ट के जो है वो खिलाफ थी, तो क्या इतनी सारी नेमतों के मुकाबले में अगर एक आजमाइश की चीज आ जाए तो मैं आपसे शिकवा शिकायत शुरू कर दू? मैंने देखा कि जिस हाथ से हमेशा नेमतें पहुंचती है, क्योंकि बादशाह ने ही अपने हाथ से दिया था, तो आज उस हाथ से अगर ऐसी चीज आ गई कि मुझे सब्र करना पड़ा, मिजाज के खिलाफ थी चीज बर्दाश्त करना पड़ा, मैंने कर लिया, लेकिन आपकी नेमतों का तकाजा यह है, कड़वा मुझे भी लगा था लेकिन आपकी नेमतों का तकाजा यह था कि मैं आपसे शिकवा शिकायत न करूं। है नूरानी भाई, कि मैं आपसे शिकवा शिकायत न करूं। उलमा लिखते हैं यही हाल अल्लाह ताला का मेरे और आपके साथ, कितनी नेमतें दी हम हैं, कोई शुमार हो सकता है? सबसे बड़ी नेमत हमारा वजूद है, हमें पैदा किया अल्लाह ताला ने, ये सबसे बड़ी नेमत। जान है तो क्या कहते हैं, जहान है, हैं जान है तो जहान है। मीर ने कहा है, मीर तकी मीर ने, अमदन भी कोई मरता है प्यारे, अमदन भी कोई मरता है प्यारे, जान है तो जहान है प्यारे। तो कितनी बड़ी दौलत। शेख सादी अलैहिर रहमा ने लिखा है जिसका मफहूम यह है गुलिस्ता के अंदर कि मैं और आप जो सांस लेते हैं ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है इस्माइल चचा, कि सांस आदमी एक ही वक्त में सांस ले भी रहा होता है अंदर और बाहर निकाल भी रहा होता है। तो फरमाया एक सांस में अल्लाह की दो नेमतें, कि सांस अंदर गया तो हमने जिंदगी पाई और सांस बाहर निकला तो हमें सुकून महसूस हुआ। वरना देखिए ऑक्सीजन की अभी कोविड के अंदर कमी हो गई थी इंडिया के अंदर, कितने लोग मर गए हैं ऑक्सीजन ढूंढने के लिए, कहां कहां फोन किया, कहां कहां मारे मारे फिरे, सऊदी अरब से फिर ऑक्सीजन इंडिया भेजा गया, ऑक्सीजन नहीं था तो लोग मर गए, और लोग सब कुछ अपने पास था देकर ऑक्सीजन खरीदने को तैयार थे कि हम अपना मकान बेच देंगे, अपना प्लॉट बेच देंगे, अपनी गाड़ी बेच देंगे, लेकिन कोई हमें ऑक्सीजन दे दे, क्यों, जिंदगी है तो फिर कमा लेंगे। और कभी सांस बाहर नहीं निकलता तो अभी आदमी को क्या होता है, घबराहट होती है, पूछते क्या हुआ, देखिए सांस सही तरह मुझे बाहर निकल नहीं रहा। तो दोनों नेमत, सांस अंदर जाता है हमें नई जिंदगी दे जाता है, सांस बाहर आता है हमें सुकून बख्शता है, फरहत जो है वो बख्शता है। अल्लाह ताला शेख सादी को जजाए खैर दे, वो लिखते हैं कि रब तेरी एक नेमत पे दो दो शुक्र है, मैं कौन सी नेमत का शुक्र अदा करूं कि तूने एक सांस, एक साथ सांस आ भी रहा है सांस जा भी रहा है, तो दो दो चीज हो गई, तो एक ही नेमत है तो दो दो शुक्र, तो मैं कैसे तेरा शुक्र जो है वो अदा करूं? तो आदमी शुक्र जो है वो अदा कर ही नहीं सकता।
अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे बड़ी चीज ये हमें जान दी हुई है। देखिये बाज मरतबा आदमी किडनी बेच देता है, पैसा नहीं हो आदमी किडनी बेच देता है, उसे पैसे मिलते हैं। पता चला कि अल्लाह ताला ने अगर आदमी कल्लाश है, हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ उसने कपड़े पहन रखे हैं, तो भी अल्लाह ताला की नेमत उस पर बरस रही है। उसका ये वजूद, किसी ने लिखा किताब में कि आदमी अगर अपने आजा जो आजा को अलग 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 तरीके से बेचे, करोड़ों रुपये का मालिक है। उसके कितने आएंगे? करोड़ों रुपये आएंगे। आदमी अपनी आंख बेच दे है, आदमी अपनी किडनी जो है वो बेच दे, और चीजें इसी तरह से आप जो है वो गिनते जाए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी सारी नेमतें मुझे और आपको दे रखी हैं, लेकिन फिर भी हमारी जुबानों पर क्या आता है? शिकवा, शिकायत, नाशुक्री के जो है वो कलिमात आते हैं। और ये तो दुनिया है, दुनिया में मिजाज के खिलाफ बातें पेश आएगी। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि इस दुनिया में हम तुम्हें राहतें ही राहतें देंगे, बल्कि अल्लाह ने यूं कहा है, कुरान में कहा है, सूरह बकरा में दूसरे पारे में कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्सहरात। हैं, अल्लाह ने कहा है हम तुम्हें आजमाएंगे थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा आजमाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, एक फहरिस्त गिनवाई कि ये सब चीजें जो हैं वो पेश आएगी तुम्हें। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि इंसानों को गम पेश नहीं आएगा, तकलीफ पेश नहीं आएगी। हम शिकवा अल्लाह से क्यों करते हैं कि भाई हमारे साथ ये हाल पेश आ गया जी? तो अल्लाह ने खुद कहा है कि मिजाज के खिलाफ बातें पेश आने वाली है। फारसियान कहते हैं, दरी दुनिया कसे बेगम न बाशद, दनी दुनिया कसे बेगम न बाशद, अगर बाशद बनी आदम न बाशद। क्या कहा? कि इस दुनिया में तुम किसी को बेगम नहीं पाओगे। हाँ, बेगम तो पाओगे, लेकिन बेगम नहीं पाओगे। हैं इस्माइल चचा, बेगम भी बेगम नहीं होगी, उसे भी गम होगा। हाँ, ये तो जो है वो तुम पाओगे। क्यों? तभी जन्नत की कदर होगी, तभी जन्नतों की नेमत की, जन्नत की जो है वो कदर होगी। इसलिए इस दुनिया में अल्लाह फरमाते हालात तो पेश आने वाले हैं। शायर ने कितनी अच्छी बात कही है, मैं गम में भी कानून फितरत से बरजन नहीं, यानी अल्लाह से, मैं गम में भी कानून फितरत से बरजन नहीं, मैं ये समझता हूं कि वो मेरा दोस्त है दुश्मन नहीं। है अल्लाह क्या है? मेरा दोस्त है, मैं गम में भी ये समझूंगा वो दुश्मन नहीं। बहरहाल मैं आपको ये समझा रहा था कि हमें जब शैतान ऐसे ख्यालात दिल में डाले, अल्लाह ताला से शिकवा शिकायत की बातें आए, तो हमें अल्लाह ताला की नियामतों का क्या करना चाहिए? इस्तेहजार जो है वो करना चाहिए। सोचे कि अल्लाह ताला ने मुझे कैसी कैसी नियामतों से नवाज रखा है। इंशाअल्लाह 10 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। देखिए, बुजुर्गों के हालात पढ़ने से हमें मालूम होता है कि सोच कैसी रखनी चाहिए, शुक्र कैसे पैदा होगा, ये बुजुर्गों ने हमें बतलाया, हुजूर के वाकयात ने भी हमें बतलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते थे, इतनी इबादत रात में, कि पांव मुबारक पर क्या आ जाते थे? वरम आ जाते थे। तो हजरत से कहा गया कि हजरत, आप तो बख्शे बख्शाए, अल्लाह ताला तो आपको जन्नत ही देने वाला, बल्कि जन्नत बनाई ही आपके लिए गई है, तो आप तो बख्शे बख्शाए हैं, इतनी इबादत करते हैं, पांव मुबारक पे वरम आ जाते हैं। तो हुजूर ने क्या फरमाया? अफला अकूना अब्दन शकूरा अव कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम, के जब अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी कि मुझे मेरे बारे में फैसला हो गया कि मोहम्मद बख्शे बख्शाया है, जन्नत का हकदार है, तो क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं? तो पता चला कि नेमतें मिलने पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। मिजाज के खिलाफ चीजें पेश आए,
पांव मुबारक पे वरम आ गया, ये बात क्या थी? मिजाज के खिलाफ थी। इसीलिए तो सवाल किया गया कि आपके पांव मुबारक सूज गए, वरम आ गए। नहीं, लेकिन हुजूर ने किसको याद किया? अल्लाह की नेमत को याद किया। तो देखिए इसमें भी शुक्र की कैफियत पैदा हो गई। साहिब मारिफुल कुरान साबिक मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी के वालिद मरहूम, हजरत के हालात में लिखा है कि उनकी एक बेटी को दांत दर्द कर रहा था, दांत, तो वो डेंटिस्ट के पास गई और आकर उसने डेंटिस्ट के पास उसने दांत को निकलवा लिया, खत्म हो गया दांत। अब वो घर आई और घर आकर वालिद मरहूम से कहने लगी कि हजरत वालिद मोहतरम, ये दांत भी अजीब चीज है, जब निकलते हैं, जब आते हैं तब भी तकलीफ देते हैं, जब उगते हैं आते हैं तब भी तकलीफ देते हैं। अब हमें मुझे भी अल्लाह ने माशाल्लाह औलाद दी है, आपको भी दिए, देखा होगा, हमें अपना तो हाल नहीं मालूम बचपन का, लेकिन देखा बच्चों को कि दांत आते हैं। वो मेरी घरवाली कहती है मुझे, जब बचपन में बच्चे छोटे थे उसको कभी बुखार हो जाता था, दस्त लग जाते थे, तो मैं कहता था चल डॉक्टर पास ले जाए, चल डॉक्टर के पास जाए, थे कि ना ना कोई बात नहीं, क्यों? थे कि वो तो दांत आ रहा है, और दांत आते हैं तो दस्त भी लगते हैं, थोड़ा सा बुखार भी आता है, तो वो नहीं, बस वो घरेलू इलाज औरतें कर लेती है, उनको पता है माँ को कि भाई ये तो वक्ती चीज है। तो इसलिए कहा उनकी बेटी ने कि हजरत वालिद मोहतरम, ये दांत अजीब चीज है कि जब आते हैं शुरू में उस वक्त भी तकलीफ देते हैं और जब जाते हैं तब भी तकलीफ देते हैं, बाज मरतबा तो वैसे ही टूट जाते हैं तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन बाज मरतबा हाँ उसे निकलवाना पड़ता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं अताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, एक साहिब हजरत के साथ बेतकल्लुफी थी, आए और कहने लगे कि हजरत दांत बहुत दर्द कर रहे हैं, कोई इलाज बताइए, हो सकता है वजीफा चाहते हो। आजकल अजीब दुनिया है, हर चीज में वजीफा। मैं कि बद्दी डॉक्टर ही डिस्पेंसरी बंद कर दिए हैं। अब मुसलमान को करना कुछ नहीं है, गैर जो ईमान से महरूम है चांद पे पहुंच गए, क्या क्या दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, और मुसलमान वजीफे से ही बाहर नहीं आ रहा। वजीफे से सब काम चलता तो हुजूर सहाबा को लेकर मैदान में निकलते? नहीं निकलते, कि हुजूर एक वजीफा पढ़ते काम हो जाता, इतने सहाबा की शहादत होती? नहीं होती। हजरत हुसैन की शहादत होती? नवासे रसूल की नहीं होती। मैदान अमल में काम करना पड़ता है, दुनिया दारुल असबाब है। आज हम चाहते हैं कि फजर में इमाम साहब कुनूत नाजिला पढ़े और जोहर में हम सुने न्यूज कि फला मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, और फिर किसी और मुल्क की हमने शिकायत की कि इमाम साहिब असर की नमाज में दुआ मांगेंगे, हम सब इमाम साहिब की दुआ पे आमीन कहेंगे, मगरिब में न्यूज आएगा बीबीसी पे कि फला मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, अल्लाह ऐसे नहीं चलाता अपनी दुनिया को। ये आलम असबाब, अल्लाह कादिर है, हमारा ईमान है, और अल्लाह कभी कभी करता भी है ऐसा, हैं? कभी कभी करता भी है ऐसा, लेकिन कुरान ने हमें फरमाया वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा वमिर रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुवल्लाहि व अदुवकुम। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि तुम दुश्मनों के खिलाफ सामान इकट्ठा करो, तुम अपनी तैयारी करो, ये कुरान कह रहा है। बस हम पता नहीं, इसका नाम तवक्कुल नहीं है, गलत जुमला है आपका, इसका नाम तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल किसको कहते हैं पता है? हुजूर ने खुद फरमाया, ये आपने तवक्कुल का लफ्ज गलत बोला। एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, मफहूम है कि हुजूर तवक्कुल किसका नाम है कि मुझे नमाज पढ़नी होती है, मैं जाता हूं जंगल में जानवर चराने के लिए। देखिये नमाज है अल्लाह की इबादत, तो आदमी यूं सोचे, ये भी एक गलत फहमी है लोगों की, क्या करते हैं कि मोबाइल नीचे रख देते, एकदम ब्रांड न्यू मोबाइल है, और फिर नमाज पढ़ते हैं, या जैकेट में जो है 500 पाउंड रखकर आए, अच्छा फोन रखकर आए, क्यों? क्योंकि वो तो अल्लाह ने इबादत करवा चाहे, अल्लाह मेरे पैसे की हिफाजत फरमाएगा, मेरे मोबाइल की हिफाजत करेगा। अरे सब नमाजी नमाज पढ़ने नहीं आते, कुछ नमाजी नमाज के साथ कुछ और काम करने भी आते हैं,
देखते नहीं आप आए दिन सीसीटीवी में वीडियो जारी होती है, ये क्लैप्टन में करीब में कोई अच्छे अच्छे जूते चुरा के ले गया। हाँ वो पूरी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाली थी कि उसके अंदर वो क्या बोलते हैं रैक्सेक, हाँ वो थी और उसके अंदर वो जूते रख रहा है। इसलिए ये मत समझा करो कि भाई हम ये कर रहे हैं, बल्कि फुकाने में आपको बताऊं क्या लिखा है। मिसाल के तौर पर ये मेरा फोन पड़ा नीचे और मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अब कोई आदमी फोन छीन कर ले जा रहा है, भाग रहा है, तो मैं यूं सोचू कि नहीं नहीं ये तो मेरी नमाज टूट जाए। लेकिन नमाज को वैसे नहीं तोड़ सकते, किसी का फोन आए नमाज में तोड़ना नमाज जायज नहीं है, नमाज में फोन आए नमाज तोड़ना जायज नहीं है। लेकिन अगर यही फोन कोई मेरा इंपोर्टेंट है वैल्यूबल फोन है कोई चुरा के ले जाए, शरीयत हमें इजाजत देती है कि नमाज तोड़ और जाके उसकी गर्दन दबोच। हाँ ये शरीयत का मसला है, तवक्कुल इसका नाम नहीं है सादुल्ला साहब। तो हुजूर से पूछा सहाबी ने कि मैं जाता हूं जंगल में जानवर चराने के लिए और नमाज का वक्त हो जाता है, तो हजरत तवक्कुल किसका नाम है, मैं जानवर को खुला छोड़ दूं और नमाज पढ़ूं? उनकी नमाज मेरी और आपकी तरह तो होती नहीं थी दो चार मिनट वाली है, सहाबा नमाज पढ़ते तो वो जानवर पता नहीं कहां निकल जाता, तकलीफ पेश आती। तो फरमाया कि मैं फिर तवक्कुल करूं या मैं जानवर को खूंटे से बांधूं और फिर नमाज शुरू करूं फिर अल्लाह पे तवक्कुल करूं? हुजूर ने फरमाया मफहूम ये है, अपने जानवर को खूंटे से बांध फिर नमाज पढ़, अब तवक्कुल कर कि मेरा तवक्कुल खूंटे पर नहीं है, मेरा तवक्कुल इस पर है कि मुझे अपना जो काम करना चाहिए था मैंने खूंटे से जाहिरी असबाब पे अमल किया, अब भरोसा मेरा अल्लाह पर है, अब उस पर भरोसा करना है। कि चाहे तो बहुत से जानवर खूंटा उखाड़ कर भी भाग जाते हैं, तो कहा कि अगर चाहेगा अल्लाह तो ये जानवर अब भी भाग सकता है, लेकिन मैं जितना काम कर सकता था मैंने क्या किया, मैंने अपना फरीजा जो है वो अदा किया। उससे अगली मिसाल आपको दूं, हदीस मेराज, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुआ बैतुल मक़दिस पहुंचे तो किस पे गए थे, बुराक पे गए है ना, बुराक पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां कभी बैतुल मक़दिस जाओ तो देखना वहां एक पत्थर है, देखा है ना आपने, हाँ वहां एक पत्थर है और कहा जाता है उस पत्थर के मुतालिक के तमाम अंबियाए बनी इसराइल, चूंकि ये गढ़ है अंबियाए बनी इसराइल का जो फलस्तीन है ना और जो उसका इलाका है, यहां पर बहुत सारे अंबिया मदफून है। 15वें पारे में अल्लाह खुद कह रहा है, बरकत का जिक्र कर रहा है, तो अंबियाए बनी इसराइल आमतौर पर उधर ही आए हैं। तो एक खास पत्थर है कि अंबिया अपने जानवर को उस पत्थर से क्या करते थे, बांध देते थे। हुजूर को जब मेराज हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या किया, उससे जो है वो बांध दिया है। तो क्या बुराक भागने वाला था, नहीं, उम्मत गलत मसला समझती, उम्मत तवक्कुल का गलत मतलब लेती, इसलिए हाँ। और एक सहाबी आए हुजूर की खिदमत में, अंडे की डली जितना सोना था वो पेश कर दिया और उसके अलावा उनपे कुछ नहीं था उनके पास, और वो ये चाह रहे थे कि मैं अल्लाह पे तवक्कुल करूंगा। हजरत शेख ने लिखा है फजाइल, हुजूर ने रहमतुल आलमीन है लेकिन मुझे और आपको सिखाने के लिए इतनी जोर से सहाबी की तरफ फेंका कि उनके सर को लगता तो सर फूट जाता। कहा कि नहीं तवक इसको रखो, इसीलिए कुरान ने हज के मुतालिक क्या कहा कि अल हज अशुरुम मालूमात فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى। कि कुछ लोग क्या करते थे, हज के लिए निकल पड़ते थे, इस्माइल चचा जो तोशा होता था वो खैरात कर देते, क्यों, तो कि हम अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे, और तवक्कुल में फिर क्या करते थे, लोगों से भीख मांगते थे। तो अल्लाह ने फरमाया ये तवक्कुल नहीं, अपना दे दो और फिर हाथ लंबाओ, ये तवक्कुल है, समझ आया, ये तवक्कुल नहीं है। आलम इसबाब में जाहिरी इसबाब क्या करने पड़ेंगे, इख्तियार जो है वो करने पड़ेंगे। खैर अखीरी किस्सा मैं सुना दूं मुफ्ती शफी साहब का, ये एक और उसके बाद, जब बेटी ने ये कहा कि अब्बा जान जब ये दांत आते हैं तब तकलीफ देते हैं, जब जाते हैं निकलते हैं तब तकलीफ देते हैं, हाँ मैं अताउल्ला शाह बुखारी का सुना रहा था कि एक दोस्त ने आकर कहा कि हजरत
इलाज धंधा क्या है के दांतों का इलाज हजरत ने हंसते हुए फरमाया इलाज धंधा इखराज धंधा है कि उसका इलाज ये है दांत दर्द करे उसको निकाल लो और बस यही इलाज उसको निकलवा लो। मुफ्ती शफी साहब का जवाब अपने सीने पे लिख कर ले जाओ। मुफ्ती शफी साहब ने बेटी से कहा कि बेटी बस दांत के मुतालिक तुझे दो ही बात याद रहे कि आए तो तकलीफ दिए निकले तो तकलीफ दी। दो ही बात याद रहे इन बिटवीन जब से आए वहां से लेकर निकलने तक तूने इस दांत से अल्लाह की कितनी नेमतें खाई है उसे भूल गए। अल्लाहु अकबर ये होती है चीज ये होता है नेमत का इस्तेहजार कि बेटी तू भूल गई इतनी जिंदगी अल्लाह ने कोई चार्ज नहीं लिया फ्री में दिए ये घंटी फ्री में चलती रही फ्री में अल्लाह की नेमत को खाते रहे। और एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम मुसलमानों का हाल ये है कि अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत घिस गए लेकिन अल्लाह की नेमतें खाते खाते शुक्र से जुबान नहीं घिसी। तो देखिए जिस जिसको शिकायत किसी के पास अपना मकान नहीं है तो शिकायत कि मेरा अपना मकान नहीं है किसी के पास मकान है तो कि मेरे बेटे का मकान नहीं है। फिक्र करो अलग बात है तैयारी करो अलग बात है लेकिन अंदाज शिकवा शिकायत का नहीं होना चाहिए। क्या क्या शिकायत है हम अल्लाह ताला से जो है वो लगाए फिरते हैं और नहीं कहते तो दिल ही दिल में जो है वो शिकायतें होती। दूसरी बात सुनो ये तो बड़ा मुश्किल मरहला है। अल्लाह ताला हम तमाम की औलाद की उम्र में मैं पहले कह दूं बरकत अता फरमाए। अल्लाहु अकबर बुजुर्गों की नजर अल्लाह की नेमत का इस्तेहजार उनको कैसा था। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस्माइल चचा आपने तो देखा है ये कराची उधर ही रह के आए बेटे का इंतकाल हो गया। बेटे का नाम था कैफी उनका इंतकाल हो गया जकी सॉरी कैफी उनका लकब था शायर भी थे जकी नाम था जकी कैफी उनका इंतकाल हो गया। लोग हजरत के पास आए ताजियत के लिए हजरत की आंखों से भी आंसू निकले है ना कि औलाद है हुजूर की आंखों से भी आंसू निकले। हाँ अपने नवासे के इंतकाल पर हुजूर की आंखों से भी अपने बेटे इब्राहिम रजी अल्लाह ताला नु उनके इंतकाल पर भी आंसू निकले तो कोई बात नहीं आंसू निकले तो लेकिन दिल से शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। आए लोग ताजियत करने लगे और कहने लगे हजरत अल्लाह ने आपका जो है वो नौजवान बेटा छीन लिया ये हो गया वो हो गया। हमें तो ताजियत करनी भी नहीं आती हैं हम तो ताजियत करने जाते हैं उल्टा उसकी दुख में इजाफा करके आते हैं। हाँ और ताजियत का माना क्या तसल्ली देना कि उसको जो दुख आया है उसको क्या दे तसल्ली दे लेकिन हमें तो जुबान से कलिमात भी कहने नहीं आते उसके दुख में और हम इजाफा करते। तो लोग कहने लगे तो मुफ्ती शफी साहब सुनते रहे फिर फरमाया कि सुनो रानी भाई सुनने जैसी बात है फरमाया कि देखो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा कि मेरे बेटे की मान लो मुझे नहीं मालूम कितनी उम्र थी मान लो 40 साल कि मेरे बेटे की 40 साल उम्र थी। तो मुफ्ती शफी साहब ने फरमाया कि अगर अल्लाह चाहता तो नंबर एक मुझे ये औलाद ही न देता। अल्लाह कादिर था ना इस पे कि मुझे औलाद ही न देता। अल्लाह ने मुझे औलाद दी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पैदाइश पर मुझे खुशी का एहसास हुआ मैं खुश हुआ अल्लाह ने मुझे खुश होने का मौका दिया हमारे घर में खुशी आई वो बचपना उसका गुजरा मैं बचपन में उसके साथ जो है खेलता रहा फिरता रहा उसके साथ मस्तियां की हंसी मजाक किया। फरमाया अल्लाह ताला ने फिर उसको जवानी की दहलीज पर पहुंचाया वो जवान हुआ उसने शादी की मैंने उसकी शादी का मंजर देखा उसकी शादी को मैंने महसूस किया उसके यहां औलाद दी मैंने पोतों को खिलाया। तो फरमाया कि अल्लाह ने उसको और उम्र दी अगर अल्लाह चाहता तो उसको बचपन में मौत दे देता अल्लाह चाहता उसे जवानी में मौत दे देता अल्लाह चाहता अब मौत दी है उससे पहले मौत दे देता। जाना तो हरेक को एक दिन है जाना तो हरेक को एक दिन है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की तरफ से बेटे के जाने पर कोई शिकवा शिकायत नहीं है। इस तरह अल्लाह के शुक्र को याद किया
और हमारे यहाँ अल्लाह, मैंने पहले कहा अल्लाह सबकी औलाद को बड़ी उम्र अता करे, लेकिन अगर ऐसा फैसला अल्लाह का हो चुका तो नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं? करते हैं ना, खास करके औरतें के छाती जो है वो पीटती हैं, चेहरे पर मारती हैं, कपड़े जो है वो फाड़ती हैं, और अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए। बास तो यूं कहते हैं कि मैं वो केहू गुनों की दो कि अल्लाह हमारा हाथ है वो कही है। मैं उर्दू में कह दूं, क्या बोलती है कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि अल्लाह ने हमारी औलाद छीन ली, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि अल्लाह ने हमें ये दुख दे दिया। अरे भाई, हमारा वजूद ही गुनहगार। तुम यूं कहते हो कि कौन सा गुनाह किया, मेरा और आपका 6 फीट या कमोबेश जिस्म है, ये पूरे का पूरा सरापा जो है वो गुनहगार। ये शिकवा शिकायत होती है और बुजुर्गों की हालत ये होती है। दो शेर सुन ले और बात फिर मैं खत्म करता हूं। अल्लाह तबारक व ताला जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आजमाइश से हिफाजत फरमाए। सबको दुआ करनी, हम आजमाइश के काबिल नहीं है, लेकिन अगर आ जाए जिंदगी का खासा है, है? यहां पर वो शायर कहता है, खुदा जिनको ऐश देता है वहां गम भी होते हैं, खुदा जिनको ऐश देता है वहां गम भी होते हैं, जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते हैं, है? तो ये चीज तो जो है वो होती है कि जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होता है। लेकिन अल्लाह ताला हमें सब्र की जो है तौफीक, और सब्र कब करना है? हुजूर ने फरमाया, इन्नम सब्रु इंद सदमतिल उला औ कमा कौल अलैहि सलाम, सब्र अव्वलीन मरहले में करना है, वरना वक्त गुजरने के साथ आदमी को सब्र आ ही जाता है ना, वक्त गुजरने के साथ। तो अमजद हैदराबादी की आखिरी रुबाई सुना देता हूं। अल्लाह ताला हमें आजमाइश से हिफाजत फरमाए, शुक्र की तौफीक नसीब फरमाए, और नामुनासिब हालात आ जाए तो जिस तरह मामला करना चाहिए, अल्लाह की रजा पे राजी रहना चाहिए, हमें राजी रहने की तौफीक नसीब फरमाए। उसकी तकदीर पर हम शाकी न हो, राजी रहे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसीलिए कहा है कि हर रंग में राजी ब रजा हो तो मजा देख। मुफ्ती शफी साहब हर रंग में राजी रहे ना, हर रंग में, हर रंग में, हर रंग में राजी ब रजा हो तो मजा देख, और दुनिया ही में बैठे हुए जन्नत की फिजा देख, है? और दुनिया ही में बैठे हुए जन्नत की फिजा देख। और सब्र पर जो है एक शेर, एक रुबाई अमजद हैदराबादी की, बेसब्र की जान हमेशा घबराती है। अमजद हैदराबादी कहते हैं, बेसब्र की जान हमेशा घबराती है, तस्कीन किसी तरह नहीं पाती है, सुकून किसी तरह नहीं पाती है, तस्कीन किसी तरह नहीं पाती है। और आगे वो कहते हैं, सब्र से हो जाती है हर मुश्किलें आसान, सब्र से हो जाती है हर मुश्किलें आसान, ये कलीद यानी चाबी, फारसी का लफ्ज है, ये कलीद हर कुफल में ठीक आती है। कुफल यानी ताला, कलीद यानी चाबी, तो ये कलीद हर कुफल में ठीक आती है। आज की जुबान में सब्र मास्टर की है। जौन सा गम हो, जौन सी तकलीफ हो, जौन सा रंज हो, जौन सा सदमा हो, जौन सा दुख हो, जो भी दुख है, सही माने में सब्र करोगे, ये मास्टर की है, उसके अंदर क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। सुभान अल्लाह व बिहमदिह, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाह।